साचे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। बल दिया, तब से आज तक
भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से तथा आप सब चंबा वासियों के अपूर्व सहयोग से ये क्लब दिन दुगनी रात दुगनी मुक्ति के पथ पर अग्रसर चलता आ रहा है। आज श्री रामलीला क्लब अपने 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। प्रत्येक वर्ष क्लब द्वारा श्री रामचंद्र महाराज की जीवन लीला का रंगमंच पर नाट्य रखकर रूप में मंचन करने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप और हम सब श्री रामचंद्र जी की जी महाराज की मर्यादाओं आदर्शों व गुणों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में अपना और उनका अपने जीवन में अनुसरण करके हम सब अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। रामायण का हर पात्र अपने आप में मर्यादाओं और आदर्शों में बना है और हम सब को कुछ न कुछ उससे सीखने का मौका मिलता है। रामायण के माध्यम से जहाँ हम रघुकुल गीत सदा चली आई प्राण चाहे पर वचन न जाए अर्थात वचन के तत्ता व पवन होने की बात सीखते हैं और वही बात श्रवण कुमार व श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन से माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन करने की शिक्षा उजागर होती है। श्री रामचंद्र जी अपने जी द्वारा रात पर त्याग कर 16 वर्षों के लिए वनों पर चल देना त्याग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भरत और लक्ष्मण जी के जीवन से भाई भाई के प्रति अपार प्रेम त्याग और श्रद्धा की भावना और सीखने की शिक्षा मिलती है। श्री राम हनुमान भरत जटायु केवट बिल्ली तथा विभीषण के चित्र से हमारे अंदर भारत की भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति तथा श्रद्धा निष्ठा और विश्वास की भावना को जगाती है और उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। रावण के जीवन से अभिमान का सब शिक्षा होने वाली कहावत यथार्थ होती है। कतई और रावण मंत्रा और सुमुखता की बातों से आगे और ऐसा भेद कार्य करके इस संसार में सदा के लिए अपना नाम कलंकित कर दे। इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपनी दिमाग और सूझ बूझ से काम लेना चाहिए। बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और पाप पर पुण्य की सदैव जीत हुई है और होती रहेगी। रावण के कथा अनुसार हमें बुरे तारे को हमेशा यथासंभव डालते रहना चाहिए और अच्छे और शुभ कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कर देना चाहिए। आज अगर हम अपने अंदर के छुपे रावण यानी बुराई रूपी रावण को मार दें और वाइन की सभी मर्यादाओं आदर्शों गुणों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना कर चले तो हम अपने देश में आज भी राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं और फिर से हमारे देश में राम राज्य आ सकता है। गत वर्ष 2017 की आय और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है। गत वर्ष आप सबसे दान के रूप में हमें 9,53,230 रुपये प्राप्त हुए और व्यय हुए 8,93,1010 जिसमें मुख्यतः रामबरात शोभा यात्रा विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा श्री राम प्रवास यात्रा मंच बनवाई दुर्गा माता की मूर्तियों की बनवाई दशहरा केसरी दंगल का आयोजन क्रिकेट मैचों का आयोजन सजावटी लाइट्स आदि आदि पर यह सब व्यय हुआ। विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा में
देवी देवताओं के आगमन पर यह सब व्यय होता है। व्यय के साथ हमारे पास दान धरोहर के रूप में बकाया धनराशि 60,020 रुपये है। इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण बैंक चंबा में 3 FD जिनका नंबर क्रमशः 8626862786268 क्रमशः 62,390 की है, जिसका टोटल ब्याज सहित 2,49,560 रुपये बनता है। हमारे पास दान धरोहर के रूप में यह पड़ी हुई है। टोटल बकाया धनराशि 60,020 और 2,49,560 को मिला के हमारे पास 3,95,080 रुपये हमारे पास दान धरोहर के रूप में बची हुई है। श्री रामलीला क्लब दशहरा के पान महोत्सव के उपलक्ष्य में सबको बधाई देता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से प्रार्थना करता है कि आप और हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आने वाला समय सबके लिए मंगलमय हो। आज ऐसा लगता है कि सभी देवता देवी देवता भगवान राम के दरबार में पधारे हुए हैं और चंबा निवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब आपके भक्ति भाव और प्रेरणा से ही संभव हो सका है, जिसके लिए श्री रामलीला क्लब आप सबका अत्यंत आभारी है। श्री रामलीला क्लब माननीय श्री पवननीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्री रामलीला मंचन के संचालन हेतु क्लब की तमाम से भरपूर सहायता की। श्री रामलीला क्लब श्री पवननीय से आशा करता है कि वह आगामी वर्षों में भी क्लब को तन मन धन से सहायता करते रहेंगे। श्री रामलीला क्लब श्री राम जी से प्रार्थना करता है कि भगवान हर कार्य में उन्हें सफलता दे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। श्री रामलीला क्लब श्री हितेश व्यास राकेश व्यास व उमेश व्यास पुत्र श्री किशोरी लाल जी व्यास पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए क्लब की श्री रामलीला मंचन में अपनी ओर से तन मन धन से सहायता की और नवरात्रे और दशहरा पर्व को सफल बनाने हेतु भरपूर सहयोग दिया। श्री रामलीला क्लब आभार व्यक्त करता है जिलाध्यक्ष महोदय श्री हरिकेश मीना जी, एडीएम श्री हेमराज वेरवा जी, एसडीएम श्रीमती दीप्ति मल्होत्रा जी, एसपी डॉक्टर मोनिका जी, एएसपी श्री रमा शर्मा, डीएसपी श्री अजय कुमार, एक्शन पीडब्ल्यूडी, एक्शन आईपीएच, एसएचओ चंबा, सिटी इंचार्ज पुलिस चंबा, जिला भाषा अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती नीरज नेहरा जी व तमाम दफ्तरों के स्टाफ का, जिन्होंने श्री रामलीला मंचन को सफल बनाने में भरपूर मार्गदर्शन दिया और हमारी सहायता की। कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बिजली सप्लाई व्यवस्था बनाने रखने में क्लब तमाम प्रशासन का आभारी है। श्री रामलीला क्लब महाजन सभा चंबा का अत्यंत आभारी है, जिन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति 2 हाथ श्री रामलीला क्लब को रिहर्सल करने हेतु निःशुल्क दिए। महाजन सभा श्री रामलीला क्लब के स्थापना वर्ष 1949 से आज तक क्लब को निःशुल्क रिहर्सल हेतु 2 हाथ देता आ रहा है। क्लब महाजन सभा के सभी पदाधिकारियों
व सुरेंद्र का हार्दिक आभारी है। श्री रामलीला क्लब आभारी है स्वर्गीय पंडित बूटाराम जी तथा स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद मेहरा जी के परिवारों का, जो कई वर्षों से राम वनवास यात्रा में अपने घर में श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी को भोग लगाते आ रहे हैं और अपने परिवार की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। श्री चांसी मिल बिजलवान प्रबंधक बिजलवान कोचिंग सेंटर बनगोटू वर्ष 1988 से लगातार दशहरा महोत्सव को सफल बनाने के लिए श्री राम लीला क्लब के पत्राचार आदि का कार्य व दूसरे क्लब के कार्य को पूरी निष्ठा व लगन से निभा रहे हैं। क्लब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से प्रार्थना करता है कि उन्हें अपने कार्यों में बढ़ चढ़कर सफलता मिले। चुगान बाजार के व्यापारियों और भाइयों का क्लब आभारी है, जो श्री रामचंद्र जी महाराज के बरात शोभा यात्रा की लंगर लगाकर सेवा करते आ रहे हैं। श्री रामलीला क्लब उन सभी दानी भाइयों का धन्यवाद करता है जो अपनी गाड़ियां राम विवाह व विजयदशमी शोभा यात्रा में निःशुल्क देकर कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। श्री रामलीला क्लब भक्ति माताओं के पुजारियों का हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने देवी देवता सहित चंबा चौहान में पधारकर दशहरा महोत्सव की शोभा बढ़ाई। श्री रामलीला क्लब मीनू इलेक्ट्रॉनिक्स व पुनीत मल्होत्रा के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने श्री रामलीला मंचन को का वीडियो बनाकर टीवी माध्यम से लोगों को घर घर में दिखाया। क्लब आचार्य श्री चैनलाल जी, जिन्होंने मंच में पर नवरात्रों में रामायण पाठ किया व पंडित जगमोहन शर्मा, जिन्होंने नवरात्रों में भगवान राम की आरती उतारने में अपनी सेवाएं दी। क्लब इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। क्लब नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर और तमाम नगर परिषद स्टाफ का आभारी है, जिन्होंने इन दिनों में चौगान की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखा। श्री रामलीला क्लब के सभी सदस्यों, कलाकारों, डांस मेकअप यूनिट, लाइट यूनिट, साउंड यूनिट, म्यूजिक यूनिट, गायक यूनिट, ढोल वादक निदेशक यूनिट व उनके परिवारों का हार्दिक धन्यवाद करता है, जिन्होंने दशहरा महोत्सव को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय हमारा मंगलमय हो और हमें किसी भी प्रकार की विपत्ता का सामना ना करना पड़े। इस वर्ष भी आप दशहरा महोत्सव में पधारे हैं और तन मन धन से वह अपना बहुमूल्य समय देकर इस पवित्र महोत्सव को सफल बनाने में श्री रामलीला क्लब की सहायता करते रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका व आपके परिवारजनों का श्री रामलीला क्लब की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका व आपके परिवार के सभी सदस्यों का भविष्य मंगलमय हो। मैं दशहरा त्यौहार के उपलक्ष्य में आपका धन्यवाद करता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज दशहरा या दूसरे शब्दों में विजयदशमी का दिन है। भगवान राम रावण व उसके परिवारजनों व उसके सहयोगियों का संहार करके माता सीता को लंका से रावण के पंजे से छुड़वाकर अयोध्या नगरी में पधार चुके हैं। वो अपना राजभाग
दिया है और आपके सामने मंच पर बैठे हुए हैं। कृपया इनके दर्शन करें और आशीर्वाद लें कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जागो और अपने जीवन की दिशा को मोड़कर धर्म की पथ पर अग्रसर हो। फिर देखो आपका जीवन धर्म में हो जाएगा और सफल हो जाएगा। बोल श्यामती रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। धन्यवाद। राम जी का एक नृत्य लेकर आपके सामने प्रस्तुति देंगे। भगवान राम जी के अयोध्या वापसी पर एक बहुत ही खूबसूरत डांस की पेशकश आप लोगों के सामने ये बच्चे करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। जय हो चंपावती महामा, तेरी गोद विच
अज मैं एक ऐसी शानदार भगवान राम के दरबार के उपर कविता सुना जिस सुनी के ना ये सुनने वाले बोलन ते ना मैं ना सुनने वाले जो बुला जाहो चंपावती महामा चंपावती महामा चंपावती महामा। सारे तो पहले इस दरबार के बारे च कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है, संसार में सबसे बड़ी सरकार यही है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, इस राम के दरबार पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को ये आसान करेंगे, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान राम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो महामाई चंपावती का जड़ा चंबा शहर है जिसका मिलेनियम यानी हजारवां साल असा कुछ दिन पहले मनाया, कुछ वर्ष पहले। दुनिया के बीच भी तो अंदर ऐसे शहर जिन्होंने 1000 साल एज इट इज पूरा होया, और चंबा सौभाग्यशाली उन संसार वर्ल्ड के पिया कंट्रियों के अंदर उसके बारे चार लाइना कि चंबा शहर अचंबा है दो नदियों का घेरा, चंबा शहर अचंबा है दो नदियों का घेरा, शंकर गौरी नारायण लक्ष्मी का है इसमें बसेरा, शंकर गौरी नारायण लक्ष्मी का है इसमें बसेरा, एक और प्राचीन बिजली घर एक और डैम चमेरा, सुंदर पहाड़ों ने है इसको चारों ओर से घेरा, सुंदर पहाड़ों ने है इसको चारों ओर से घेरा। आज से 400 वर्ष पहले लगाया था बाबा श्री चंद जी ने यहाँ पर डेरा, नदी रावी का है हम सब पर ये उपकार घनेरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका इसमें बसेरा, ऐसे सुंदर शहर को प्रणाम लाख लाख मेरा। मैं रामलीला के ऊपर कि आओ सुनाओ मैं रामलीला की कहानी, क्या है इसकी सुंदरता, क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसकी खासियत, क्या है इसके उपकार, क्या है इसके चमत्कार, सुनाओ अपनी जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जितनी भी रामलीला इस वक्त हो रही है हमारे पूरे भारतवर्ष में, उन श्रेष्ठताओं में इस रामलीला ने है अपना नाम लिखवाया। जिन्होंने इस रामलीला को शुरू किया उनके परिवार के सदस्यों को भगवान राम ने है आज हर क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। जिन भी पात्रों ने कार्यकर्ताओं ने आज तक इसमें काम किया, कर रहे हैं और करेंगे, उनके ऊपर है भगवान श्री राम ने अपनी कृपाओं को बरसाया। इस रामलीला के मन्नतें मान करके, जैसे लोग मंत्रों में मन्नत मानते हैं कि महामाई मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं ये करूंगा, वैसे लोग इस रामलीला के लिए मन्नत मानते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी रामलीला में आऊंगा और अपनी कृपा से अपनी मेहनत से जो कुछ होगा सेवा करूंगा, मेरा ये काम हो जाए वो पूरा होता है। तो अंत में तो इसकी महिमा नहीं जाती मुझसे बखानी, आओ सुनाओ मैं इस रामलीला की कहानी, क्या है इसके उपकार सुनाओ अपनी जवानी। अंतिम स्टेंजा बोलने ला पहले मैं धन्यवाद करगा प्रधान साहब जी का और क्लब सारे क्लब का, क्योंकि टाइम बड़ा घट है। अंत च मैं ये बोलगा कि और सजेगी अभी और संवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी, ये हमारी चंबा की रामलीला, ये तो है बड़ी होली, दुल्हन चली हायरे पहन चली सात रंग की चोली, बाहों में लहराए साल और रावी, देख के दुनिया डोली, दुल्हन चली हायरे पहन चली सात रंग की चोली। धन्यवाद। सामने प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जलंधर से आए हमारे कलाकार शिव और पार्वती की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, पेशे खिदमत आप लोगों के सामने। सांझ सकारे तुम को आज रात
की महतारी मन ये चीज ना चाहिए, सामन का महीना से एक लोटा भांग का भर के पिया दे। तो सुन ले, तेरी भांग ना घोटू ना घोटू ना घोटू। Thank you.
गणपति महतारी सुन गणपति महतारी एक लोटा
Yeah.
शांत करने के लिए जब देवगढ़ भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आए। दशहरा चेस चैंपियनशिप 2018 का रिजल्ट है हमारे सामने और मैं जैसे जैसे नाम लूँगा सभी लोग जो पार्टिसिपेंट हैं जो चुने गए हैं जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है वो लोग स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। पुष्कर बिजलवान जी मंच पे आ जाए। पुष्कर बिजलवान भगवान श्री राम जी के चरणों के कर कमलों द्वारा बेटा शूज का ध्यान और ये अंडर 14 के बच्चे हैं जिन्होंने दशहरा की जो शतरंज की प्रतियोगिता है उन्होंने जीती और फर्स्ट पोजीशन पे है मिस्टर जयेश जायसवाल। एक बार जोरदार तालियां बजाएं फर्स्ट पोजीशन के इस बच्चे के लिए। और इसके बाद अंडर 21 की कैटेगरी में जिन बच्चों ने ये प्रतियोगिता जीती है उसमें थर्ड पोजीशन पे है कविश। कविश थर्ड पोजीशन पे है अंडर 21 शुद्ध तार के आधे। और सेकंड पोजीशन पे जयेश अंडर 21 सेकंड पोजीशन पे जयेश है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अंडर 21 पे जयेश थर्ड पोजीशन पे कविश जी हैं और फर्स्ट पोजीशन पे अभिनव मिस्टर अभिनव फर्स्ट पोजीशन पे। और इसके बाद गर्ल्स कैटेगरी में थर्ड पोजीशन पे रिधि महाजन गर्ल्स कैटेगरी में। जोरदार तालियां बच्चियों के लिए। थर्ड पोजीशन पे है और सेकंड पोजीशन पे श्रुति वो भी तैयार है। गर्ल्स कैटेगरी में इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है भगवान श्री राम जी के कर कमलों द्वारा उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ये इनाम दिया जा रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे सुप्रिया फर्स्ट पोजीशन पे सुप्रिया जी हैं। जोरदार तालियां बच्चों के लिए इनकी हौसला अफजाई के लिए। सुप्रिया फर्स्ट पोजीशन पे मेरी दरख्वास्त रहेगी वास्तविक खुशबू जिया खुशबू तरुण उनकी परफॉर्मेंस रहेगी इसके बाद इन बच्चों की। और इसके बाद स्पेशल प्राइज है हमारा फॉर 8 ईयर जूनियर प्लेयर नमन शर्मा। नमन शर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्पेशल प्राइज है नमन शर्मा के लिए फॉर 8 ईयर जूनियर प्लेयर। ये मौजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत हमारे चंबा की बच्चियां जो है वो प्रस्तुति देंगी वास्तविक।
जबरदस्त इंजेक्शन देने इसके बाद रखिए और इसके बाद
उत्साह बढ़ता है और प्रतिभावान बच्चे हैं ये, हमारे चंबा का नाम रोशन करेंगे आगे जाके, ये मैं आशा करता हूँ उन बच्चों से और इनके अभिभावकों से भी कि इन बच्चों में टैलेंट है, इस टैलेंट को और भी संवारिए, ये प्रयत्न करें कि ये इस टैलेंट को और संवारे और इस फील्ड में बड़े होकर अपना नाम कमाए और चंबा का नाम भी कमाए। तो अब हमारे इन दिनों में जो आपने रामायण का मंचन देखा, इसमें हमारे सभी कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया और इसके साथ साथ इन कलाकारों को तो आपने पर्दे पर देखा, मंच पर देखा, इसके पीछे भी बहुत से कलाकार होते हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता करते हैं। श्री रामचंद्र जी के हाथों उन इनके जो कार्य किया इन्होंने उसकी कोई कीमत तो नहीं है, वो बहुमूल्य है, उसका हम कोई पारितोषिक नहीं दे सकते, उसकी कीमत नहीं दे सकते, लेकिन एज ए टोकन ऑफ लव, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उन बच्चों को श्री रामचंद्र जी के हाथों पारितोषिक दिलाया जाएगा उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इससे पहले कि ये कार्यक्रम हम आरंभ करें, मैं अनुरोध करूंगा प्लहा इन्फोटेक जिन्होंने ये सारे प्राइजेस कलाकारों के लिए और जो पीछे जिन्होंने काम किया उनके मोमेंटो वगैरह उन्होंने देकर स्पॉन्सर किया है, मैं आमंत्रित करूंगा प्लहा साहब को कि वो मंच पर आए, अपने मोमेंटो देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। जोरदार तालियों से प्लहा साहब का स्वागत। तो भगवती माता की सबसे पहले मैं बच्चों के नाम लूंगा जिन्होंने फुलवारी में सीता माता की सहेलियों का अभिनय किया और अपना इनाम भी ले, इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इनको यह दिया जा रहा है और कृपया ताली बजती रहनी चाहिए बच्चों के लिए और इनके अभिभावकों के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जिया मनचंदा जिन्होंने गौरी माता का अभिनय किया, आप जिन कलाकारों ने यहां पर अभिनय किया, राकेश महाजन जी श्री राम के रूप में यहां पर उन्होंने अभिनय किया, वो अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। श्री धीरज भाई जी लक्ष्मण के पात्र का अभिनय किया, जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाते रहे कलाकारों का, यही सबसे बड़ा इनाम आपकी तालियां है। रीतिका ठाकुर जी सीता माता का अभिनय किया, बहुत सुंदर अभिनय किया इन्होंने। राकेश मनचंदा जी हनुमान के रूप में और परशुराम के रूप में नजर आए, तालियां बजती रहनी चाहिए हर कलाकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यही सहयोग है कि आप तालियां बजाएं और इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं ताकि ये अगले वर्ष में भी और बेहतरीन अभिनय करें और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करें। राजेश महाजन जी मेघनाथ के रूप में नजर आए इस मंच पर, विजय महाजन जी राजा जनक के रूप में, जोरदार तालियों से कि हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं। अंशु माली जी जिन्होंने पहली बार कुंभकर्ण का अभिनय किया और बहुत सुंदर अभिनय किया, जोरदार तालियों से अंशु माली जी का हौसला बढ़ाएं। ये अंशु माली जी की बेटी है, उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार लेगी, आशीर्वाद लेगी।
श्री रामचंद्र जी से, पंकज शर्मा जी, सुखैन वैद, श्रवण कुमार, विष्णु मंत्रा के पात्रों का अभिनय किया और बहुत सुंदर यहाँ पर इन्होंने एंकरिंग की है। जोरदार तालियों से ये मल्टी स्टारर, मल्टी गुण है इनमें, मल्टी टैलेंटेड कलाकार है। कमलेश नैयर जी वो भीषण के रूप में यहाँ पर मंच पर नजर आए। जोरदार तालियों से कमलेश नैयर जी का उत्साह बढ़ाए। दीपिका ठाकुर जी ककई पृथ्वी के रूप में नजर आई। जोरदार तालियां, ये भी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, अभिनय भी बहुत सुंदर करती है और डांस भी बहुत सुंदर करती है। जोरदार तालियां। किरण जी कौशल्या के रूप में नजर आई, माता कौशल्या के रूप में। मनीषा जी, सुमित्रा माता के रूप में नजर आई। संजय जसवाल जी, रोहित महाजन जी भरत के रूप में। संजय जसवाल अशोक महाजन जी, शांतनु ऋषि और श्रृंगी ऋषि के रूप में इन्होंने अभिनय किया। हमारे बहुत सीनियर कलाकार हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तत्पर रहते हैं, हर कार्य में सहायता करते हैं। भागवत जी राम बने बाल्यावस्था में, छोटे राम भागवत, तालियां बजाए बच्चों के लिए, इन बाल कलाकारों के लिए तालियां बजाए, उनके अभिभावकों के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। आयुष जी लक्ष्मण बाल्यावस्था में का अभिनय किया, बहुत बेहतरीन अभिनय किया आयुष जी ने। कंगना महाजन सीता माता बाल्यावस्था में के रूप में नजर आई, यहां पे अभिनय किया कंगना महाजन। भानुज जी द्वारपाल और द्वारपाल राम, द्वारपाल दशरथ और पंडे के रूप में नजर आए। जोरदार तालियों से बाल कलाकारों का उत्साह बढ़ाए करें। हरीश उत्रेजा जी इंदर और राजकुमार बने। पारस गुलाटी जी सुग्रीव और कश्मीर राज। अभिषेक शत्रुघ्न के रूप में। तालियां बजती रहनी चाहिए। हिमांशु जी वरुण और नील के रूप में। युगम द्वारपाल रावण, तुषार अग्नि, तनिष्क नल और किसान बने। भार्गव गणेश जी बने और भार्गव टू अयोध्यावासी और यमराज के रूप में नजर आए। ये बाल कलाकार हैं, इनका हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। रणवीर जी किसान और वानर के रूप में। गौतम चंद्रमा अयोध्यावासी के रूप में। देवेंद्र शर्मा दरबारी के रूप में। गुरुचरण चावला जी दरबारी के रूप में। पिल्लू जी दरबारी। पवन महाजन उर्फ पप्पू जी
पप्पू ये भी राम भक्त है और बहुत खुश होते हैं रामलीला को देखकर। देवाश जी कुबेर और पंडे के रूप में नजर आए। धीरज बढ़ियाल जी उज्जैन राज राहिर राजा धर्मपुर रिंकू अरोड़ा जी ब्रह्मा ब्रह्मा के रूंगे योगिंदर शर्मा जी विश्वामित्र के पात्र का अभिनय किया। संदीप मल्होत्रा जी कालनी शुक बने संजय महाजन जी सारण के रूप में नजर आए। अभिषेक गुंजन मेहरा ताड़का और सर के रूप में नजर आए। पंकज महाजन जी मारीच और अक्षय कुमार के पात्रों का अभिनय किया। पंकज महाजन जी दीपक महाजन अंगद और जटायु बने। मुदित महाजन बाली के रूम में नजर आए। नैतिक बने प्रजागान इंदर शाश्वत प्रजागान इंदर तनिष्क प्रजागान इंदर हार्दिक मनचंदा प्रजागान इंदर वनीत बने जामावंत रक्षित पड़ियाल वरुण सुजल अरोड़ा सूरज के पात्र का अभिनय किया। अरुण ऋषि के रूप में नजर आए। पीयूष सात्विक रणवीर मोक्ष ये किसान बने। नितेन महाजन राजा मगधराज तालियां बजती रहे तो अच्छा है। कलाकारों का उत्साह बढ़ता है। आपकी तालियां इनका इनाम है। अब मैं अनुरोध करूंगा चंदन सहगल जी से जिन्होंने शतरंज प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया प्रबंध किया इनका। चंदन सहगल जी मैं आमंत्रित करता हूं हिमांश जी को। अब जो दशहरा केसरी दंगल छेद का जिन्होंने आयोजन किया उसमें सफलतापूर्वक आयोजन में श्री नरेंद्र ठाकुर जी अनूप महाजन जी और महाराज सिंह जी बढ़ियाल और योगिंदर शर्मा जी ये मंच पर आए। बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने छिंद का आयोजन किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। किशोर शर्मा जी Thank you.
भगवती माता जो दुर्गा माता का जो दरबार लगा था उसमें उनका सफल आयोजन किया, आरती वगैरह जो भी इन नवरात्रों में भगवती का पूजन पाठ होता है उसमें सहयोग दिया, पंडित अजय शर्मा जी, श्री युगल किशोर शर्मा जी, श्री सुभाष महाजन जी, श्री प्रवीण गुप्ता जी, श्री प्रवीण महाजन जी सपड़ी से, श्री मुकेश जी गोटी, श्री सुभाष जोशी जी और श्री चंद मैयर जी, ये कृपया मंच पर आए और भगवान राम जी के हाथों आशीर्वाद ले, पुरस्कार ले। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा इस वर्ष प्रथम बार श्री चंद मैयर जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे बड़े वरिष्ठ ये सदस्य हैं क्लब के और बहुत अपनी सर्विस देते हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में। आप जिन्होंने संगीत में और राम जी के गाने और विभिन्न कलाकारों के गानों में इस बार सहयोग दिया और बहुत सुंदर, ये प्रथम बार ये इंट्रोड्यूस हुए हैं रामलीला क्लब में और चंबा के बच्चे हैं और गर्व है हमें इन बच्चों पर। ये बाहर भी जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, चंबा का नाम रोशन कर रहे हैं, इनकी गुरबाणी की सीडीज बनी हुई है और पीडीसी चैनल में इनकी गुरबाणी टेलीकास्ट होती है। बहुत गर्व के साथ मैं इनका नाम लूंगा, श्री कंवलदीप सिंह जी और तनप्रीत सिंह जी। जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाए, ये आगे बहुत ही आगे जाएंगे और चंबा का और अपना नाम रोशन करेंगे। आरती जी जिन्होंने सीता मैया के और गाने गाए, इन्होंने बहुत सुंदर गाने गाए और प्रथम बार ये इंट्रोड्यूस हुई है। और जो आरती आपने सुनी पहली आरती, ये भी चंबा के गायक हैं प्रभजोत सिंह, जिन्होंने जो बंबई में फिल्म इंडस्ट्री में भी गा रहे हैं, ये आरती उन्होंने बॉम्बे से रिकॉर्ड करके और वहां के म्यूजिशियन से रिकॉर्ड करके यहाँ पर चंबा में भेजी है। प्रभजोत सिंह जी का जोरदार तालियां, ये बच्चे भी चंबा का नाम रोशन करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंगा जी, जिन्होंने साउंड का प्रबंध किया, बहुत सुंदर साउंड का प्रबंध किया मंगा जी, इनका तालियों से इनका हौसला बढ़ाए। लाइट के सेठी चाचा और लाइट मास्टर, ये कृपया मंच पर आए। मेकअप कलाकारों को मेकअप करने में सहयोग दिया कुशिक व्यास जी ने, प्रकाश विमान जी ने और भावना मरोड़ जी ने, ये कृपया मंच पर आए और भगवान जी के हाथों पुरस्कार ले, आशीर्वाद ले। तालियां बजती रहनी चाहिए कलाकारों के लिए। और कुछ राम जी के गाने रिकॉर्ड करवाए श्री भूपेश टूर जी ने एनके स्टूडियो, ये मंच पर आए और भगवान जी से पुरस्कार ले। रिफ्रेशमेंट टीम रही जितेंद्र महाजन, नवल महाजन, धीरज महाजन, नरेंद्र महाजन, ये कृपया मंच पर आए और भगवान जी से पुरस्कार ले।
लाइट स्टेज अंचित महाजन, मनीष शर्मा, सुदेश, पवन, महिंदर जी, चेतन, और इस कार्यक्रम को सहयोग बढ़ाने में हमारा साथ दिया मैसर सतनाम ज्वेलर्स और राजू जी ने, मैसर जियालाल मीनू केबल, पुनीत मल्होत्रा केबल डीएलओ साहब, एनएचपीसी रवि, किशोर गुप्ता जी, बोधराज जी, अब मैं आमंत्रित करूंगा रामायण के विलन खलनायक और बुराई के प्रतीक श्री अमरीश महाजन जी को जोरदार तालियों से। अमरीश महाजन जी बहुत सुंदर अभिनय करते हैं, हर साल भगवान राम जी के हाथों मुक्ति पाते हैं, ये भी इनका एक आर्ट है, हमें तो मुक्ति नहीं मिलती, ये हर साल भगवान राम जी से इनके हाथों से मुक्ति पाते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा नरेश महाजन जी को, कविंदर महाजन जी, सतीश महाजन जी, जोरदार तालियों से सतीश महाजन जी का स्वागत, सूर्य प्रताप जी, पंडित जगमोहन शर्मा जी, पंडित चैन सिंह जी जिन्होंने इन नवरात्रों में रामायण का पाठ आपको सुनाया, बहुत सुंदर रामायण का पाठ करते हैं, राकेश वैद जी और फुल्ला वाली माता पठानकोट। अगर किसी का नाम किसी कारणवश या गलती से हमसे छूट गया हो तो मैं माफी चाहूंगा, वो हमें बता सकता है, उसका पुरस्कार जो है हमारे पास है, वो हमारे पास आकर ले सकता है। एक बार बड़े प्रेम से बोलिएगा, बोलो श्याम रामचंद्र महाराज की जय, हनुमान की जय। जिन्होंने सेवाएं दी स्टोर में, ड्रेसेस वगैरह कलाकारों को देने में ये छूट गए थे मेरे से, मैं माफी चाहता हूं। आकाश गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी, नितिन जी, मानव जी, जयंत जी, विपिन जी, विशाल गुप्ता जी, स्वपन महाजन जी, संजीव पुरी जी, लगी जी जो मंथली कलेक्शन करते हैं श्री रामला क्लब की, जिन्होंने इस सारे नाटक का रूपांतर बच्चों की एक्सेल कराई, स्टेज में सारा कंट्रोल इन्होंने किया, इन्हीं के सहयोग से हमारा ये रामलीला का प्रोग्राम सुचारू रूप से चला। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री परमेश्वर जी की जोरदार तालियां बनाए, और इन्होंने केवट का अभिनय भी किया है, हमारे सीनियर कलाकार हमारे मार्गदर्शन है ये। मैं मंत्र करूंगा श्री मनोज महाजन जी को, मनोज जी